दोस्तों, बारबारोस गर्ल की एपिसोड 22 देखकर तो मद्दाहों के होश ही उड़ गए। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ एपिसोड 22 में। लेकिन जितनी जबरदस्त एपिसोड 22 थी, उससे कई ज्यादा जबरदस्त और हिला कर रख देने वाला ट्रेलर है एपिसोड 23 का। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ओरोज रेस इस वक्त कैद में है। एंतुआन बेचारे पर भी बहुत जुल्म किया जा रहा है, लेकिन ये कैद अभी तवील होने वाली है। खिजर रेस अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी ओरोज रेस को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तारीख के मुताबिक अभी 1 साल ओरोज रेस को कैद में रहना है। अब अगर बात करें इलियास की, तो क्या ही करारा थप्पड़ मारा है इलियास को खिजर ने एपिसोड 23 ट्रेलर में। और जो कुछ उसने किया है, तो एक थप्पड़ तो बनता था, लेकिन इलियास का ओरोज रेस की पोस्ट पर बैठना, वजीर के कहने पर ओरोज रेस की जगह ले लेना, गिब्राइल को जाकर बेड़ा दे देना, ये सब देखकर तो बजाहिर यही लग रहा है कि इलियास ने अपने ही भाई के साथ कर दी है गद्दारी। लेकिन यहाँ एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि इलियास ये सब जानबूझकर कर रहा हो, ताकि वजीर किसी अनजान आदमी या फिर शहबाज को ओरोज रेस की जगह ना दे दे। क्योंकि खिजर ने एपिसोड 22 में ये कहा था कि अगर ओरोज रेस की पोस्ट किसी और के हाथ में चली गई, तो हुकूमत भी हमारी नहीं रहेगी। इसलिए शायद इलियास ने ये इंतहाई कदम उठाया हो और अपने भाई ओरोज की जान बचाने के लिए ना समझी में बेड़ा गिब्राइल के हवाले कर दिया। पर इलियास के इस एक गलत कदम की वजह से खिजर और पीरी रईस भी खाक में फंस गए और 3 बड़े जाबाजों को फांसी दे दी गई। अब जाने उन्हें कोई बचाएगा भी, या फिर फांसी पर ही लटक जाएंगे नीको और बाकी दोनों सिपाही। और तो और शाहीन को भी गोली लग गई और वो बेचारा अपने ही बहन और भाई के गजब का निशाना बन गया, और ओरोज रेस भी कैद में ही रहे। अब इलियास गद्दार है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार या फिर इंतहाई अफसरदा भी हो सकती है। इसलिए देखते रहिए बारबारोसलर सीरीज, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।